वेलकम टू द बायोग्राफी अड्डा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियाज फर्स्ट लेडी सुरवा मुखर्जी की लाइफ स्टोरी। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। सुरवा मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की पत्नी थी। सुरवा मुखर्जी का जन्म मंगलवार 17 सितंबर 1940 को जैसोर बंगाल ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो कि पार्टीशन के बाद बांग्लादेश में स्थित है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद 1950 में 10 साल की उम्र में वह कोलकाता चली गई। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सुरवा भारत में एक आप्रवासी थी, यानी कि वह भारत देश की नहीं थी। 10 साल की उम्र में जब वे कोलकाता आई तो उसके बाद 17 साल की उम्र में उनकी शादी प्रणब मुखर्जी से हो गई। सुरवा आर्ट, कल्चर और म्यूजिक लवर थी। वह रविंद्र संगीत की सिंगर और डांसर थी और ग्लोबल लेवल पर कई सालों तक रविंद्र टैगोर के डांस और ड्रामास में एक्ट किया। एक डांसर होने के नाते उन्होंने 70 के दशक में एक डांस ग्रुप गीतांजलि ट्रुप शुरू किया, जो कि बंगाली पॉलीमैथ रविंद्रनाथ टैगोर के काम का प्रचार करने के लिए था। उन्होंने लंबे समय तक डांस ग्रुप को गाइड और लीड किया। संगीत की ओर इंटरेस्ट होने के साथ साथ वह टैलेंटेड पेंटर भी थी, जिनके पास कई सक्सेसफुल ग्रुप और सोलो पेंटिंग एग्जीबिशंस थी। सुरवा मुखर्जी ने पॉपुलर सिंगर कुमार सानू के साथ एक हेल्दी रिलेशन शेयर किया। उन्होंने रविंद्र संगीत और डिवोशनल म्यूजिक से रिलेटेड अपने कई एल्बम लॉन्च किए। उन्होंने फरवरी 1971 से अगस्त 1971 तक 6 महीने के लिए वेस्ट मिदनापुर के घाटाल में बिरसिंहपुर विद्यासागर बालिका विद्यालय में एक टीचर के रूप में काम किया। उनके निधन के बाद फॉर्मर फर्स्ट लेडी के सम्मान के रूप में स्कूल एक दिन के लिए बंद रहा। भारत की प्रथम महिला होने के बाद भी वह एक अपॉलिटिकल पर्सन थी, जो पॉलिटिक्स से दूर रहना पसंद करती थी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने एक बच्चे को बर्थ देते ही खो दिया था। उसके बाद उन्होंने दो बेटे इंद्रजीत और अभिजीत को जन्म दिया और एक बेटी शर्मिष्ठा को जन्म दिया। उन्होंने राइटिंग में भी अपना हाथ आजमाया और दो बुक्स लिखी, जिसमें से पहली है चना अचेनई चिन, जो उन्होंने अपनी चीन की यात्रा पर लिखी थी, और दूसरी है चौकेर एलॉय, जो कि पूर्व भारतीय पीएम इंदिरा गांधी के साथ उनकी करीबी बातचीत के बारे में लिखी गई बुक है। फर्स्ट लेडी सुरवा मुखर्जी का दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में 18 अगस्त 2015 को लंबी सांस की बीमारी के चलते निधन हो गया। नरेंद्र मोदी, शेख हसीना और मनमोहन सिंह सहित कई मेन पॉलिटिकल हस्तियों ने उनके अंतिम संस्कार में अपनी प्रेजेंस दी। तो गाइज, ये थी मिसेस सुरवा प्रणब मुखर्जी की लाइफ स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।